आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं तरन्नुम आमीन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जमशेदपुर में सीएम ने विद्युत शक्ति उपकेंद्र का किया लोकार्पण, कई योजनाओं का भी किया शिलान्यास। जमशेदपुर के मार्गों में अपराधियों ने नॉन बैंकिंग कर्मचारियों से लूटे 1,58,000 रुपए, पुलिस कर रही मामले की जांच। जमशेदपुर में साइबर अपराध रोकने के लिए कार्यशाला आयोजित, डीआईजी समेत पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। और अपनी मांगों को लेकर राज्य में पुलिस कर्मियों ने लगाया काला बिल्ला और अधिवक्ताओं ने कार्य का किया बहिष्कार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा सिद्धगोड़ा पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इस सब स्टेशन से 75,000 लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें प्रचंड गर्मी में बिजली की समस्याओं का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस अवसर पर विद्युत विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस समारोह में 236 योजनाओं की आधारशिला रखी गई और उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने क्षेत्र की जनता से और झारखंड की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर सीधा वार किया और कहा कि सोरेन एंड परिवार मेरे संपत्ति की जांच करा ले, साथ ही वह भी अपने संपत्ति की जांच कराकर सार्वजनिक करे। राजनीति में आने के बाद कितना संपत्ति सोरेन परिवार के पास है और कितना मेरे पास। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि किस चुनाव में हेमंत सोरेन की संपत्ति हम सार्वजनिक करेंगे और वह भी पेपर कटिंग के सहारे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल के अंदर 4 लाख घरों में बिजली हमने पहुंचा दी है और 2019 तक 68 लाख घरों तक बिजली पहुंच जाएगी। उधर मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि पूरे राज्य में टाटा बिजली देगी। पहले फेज में जमशेदपुर और सरायकेला में इस योजना को लागू किया जाएगा। उधर सुकन्या योजना को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के साथ ही रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और सुकन्या योजना का लाभ बच्चों को मिलने लगेगा। और अभी हमारी सरकार साफ ग्रिड का काम चल रहा है। 217 सब स्टेशन पूरे राज्य में चल रहे हैं और 2019 दिसंबर 2019 दिसंबर तक जो शहर में 24/7 बिजली, गांव में मेरा रहने वाला गरीब को भी नो कट 24/7 गांव में भी। एक मेरा घर है टाटा स्टील का 3 रूम का कर्मचारी, दुनियागर में जमीन, धुमका में जमीन, साहेबगंज। और दूसरी तरफ जमशेदपुर में जिला पुलिस के तमाम जवानों तथा इनके स्टैक होल्डर्स के बीच एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर अपराध पर लगाम लगाने के मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान कोल्हान के डीआईजी भी उपस्थित रहे। सेमिनार में कोल्हान डीआईजी कुलदीप द्विवेदी, जिला पुलिस कप्तान अनूप बिरथरे, नगर पुलिस अधीक्षक, सभी डीएसपी, थाना प्रभारी तथा जिला पुलिस के जवान मौजूद रहे। सेमिनार के दौरान जिले में साइबर क्राइम की रोकथाम पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान कोल्हान डीआईजी ने कहा कि जो भी डिजिटल साइबर क्राइम हो रहे हैं उसे नित्य नए आयाम सामने आ रहे हैं और रोजाना इसमें नए प्रारूप जुड़ रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि पुलिस भी उन सभी चुनौतियों के लिए पूर्व से ही तैयार रहे और इस कारण इस सेमिनार में तमाम पुलिस बल के साथ बैंक आदि के पदाधिकारी आमने सामने आकर चर्चा कर रहे हैं, ताकि सभी अपने अनुभव को बांट सके और इससे सभी को कुछ सीखने को मिले। इन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के समक्ष होगी और उससे पूर्व पुलिस उसके लिए तैयार रहे, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। अपराध के आयाम होंगे जिससे पुलिस को मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कुछ वर्षों में जिस प्रकार से इसमें उत्तरोत्तर हम लोग देख रहे थे कि अपराध प्रतिवेदित हो रहे हैं, अभी के समय में पुलिस का रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त है। ना केवल अपराध कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है और उनका कन्विक्शन भी कराया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो आज स्किल्स हैं वो पहले के मुकाबले बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सुधार हुआ है और ये एक सतत प्रक्रिया है। क्या प्रारूप
साइबर क्राइम का हमारे सामने में आता है, तो हमें ये निरंतर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि पब्लिक को हम इसके बारे में बता सकें और उनकी सही दिशा में मदद कर सकें। आईटी सेल कितनी मजबूत है अगर देखा जाए परमंडलीय वाइस प्रेस की? आईटी सेल हम लोग के यहाँ बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है, लेकिन हर चीज़ में सुधार की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे इसके आयाम हमारे सामने नए नए आ रहे हैं, हम उसी प्रकार से इसको अपने आईटी सेल्स को, अपनी टेक्निकल टीम्स को और सुदृढ़ बनाएंगे, अपने साइबर थाने को और सुदृढ़ बनाएंगे। और दूसरी तरफ जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जमशेदपुर पुलिस ने गृह भेदन की घटना को अंजाम देने के लिए कार में घूमने वाले चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। ये पिछले 2.5 माह में अब तक कुल 18 चोरी और गृह भेदन की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ये गिरोह बिष्टुपुर साक्षी सिद्धगुड़ा कदमा और टेलको में सक्रिय था और लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। एक प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने बताया कि इनके पास से एक स्विफ्ट कार, भारी मात्रा में आभूषण समेत चोरी के अन्य सामान और चोरी की घटना को अंजाम देने में उपयुक्त औजार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार चोरों में गोलमुरी नामदा बस्ती का रहने वाला रोहन सिंह, गुरजीत सिंह उर्फ विशाल उर्फ तको, हरपाल सिंह, गोविंदपुर जोजो बेड़ा निवासी विकास सिंह और सिद्धगुड़ा निवासी सोनार केदारनाथ सोय को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के अनुसार सोनार केदारनाथ सोय ही इनके चोरी के आभूषणों को खपाने का काम करता था। इनके पास से पुलिस ने सोने और चांदी के सामानों को भी बरामद किया है। छापेमारी टीम में सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, पवन कुमार, बिष्टुपुर थानेदार, सिद्धगुड़ा थानेदार हरिलाल महतो, गुलमुरी थानेदार रणविजय शर्मा तथा टेलको थानेदार शंकर ठाकुर समेत अन्य शामिल थे। स्विफ्ट कार ग्रे कलर की, इन चारों को एक चोरी की स्विफ्ट कार के साथ में अरेस्ट किया गया है, जिसमें इनके पास चोरी करने वाले जो औजार हैं वो बहुत सारे बरामद हुए हैं। इसके अलावा इन लोगों से डिटेल पूछताछ में पिछले 2.5 महीने के दौरान 18 चोरी के और गृह भेदन के केसेस का डिटेक्शन हुआ है। ये केसेस सिद्धगोड़ा, टेलको, साक्षी, बिष्टुपुर और कदमा थाना में दर्ज किए गए थे। विभिन्न कांडों में जो चोरी गए सामान हैं उनमें से कुछ कुछ सामान इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति जो कि सुनार है, केदारनाथ सोय नाम का, जिनको कि ये लोग चोरी की हुई ज्वेलरी को बेचते थे, उसको भी अरेस्ट किया गया है। उसके घर से भी ज्वेलरी का कुछ सामान हम लोगों ने बरामद किया है। इन चारों की गिरफ्तारी से कुल 18 कांडों का उद्भेदन हुआ है। 18 केसेस में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, उसके हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं। और इसके अलावा अब इनके पकड़े जाने से बहुत राहत होगी। और इधर मानगो जवाहर नगर क्रॉस रोड नंबर 14 में नकाबपोश अपराधियों ने 2 राउंड हवा में फायरिंग कर दिनदहाड़े नन बैंकिंग कर्मियों से 1,98,000 रुपए लूटकांड की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि ये लूटकांड की घटना मंगलवार के दिन 11:30 बजे की है, जब डिमना रोड स्थित मधुसूदन अपार्टमेंट में संचालित प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मी पैसे वसूल कर वापस लौट रहे थे। तभी मानगो जवाहर नगर क्रॉस रोड नंबर 14 के पास 2 अलग अलग बाइकों में सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने 2 राउंड हवा में फायरिंग कर फाइनेंस कंपनी कर्मी से 1,58,000 रुपए लूट लिए। इधर लूटकांड का शिकार बने विकास कुमार सिंह ने मामले की जानकारी दी है। वहीं मानगो थाना प्रभारी अरुण कुमार महता ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 करोड़ रुपए लेके हम लोग फाइनेंस कंपनी है, ये मेंबर लोग हम लोग लोन देते हैं, लेडीज लोग ग्रुप में लोन देते हैं, उसी का हम लोग रिकवरी करने गए थे। हाँ, 4 सेंटर से हम लोग रिकवरी करके रिटर्न आ रहे थे, वहाँ से सेंटर से जैसे हम लोग निकले वहाँ से रोड पर से आए, तो ऐसे 2 बाइक से आगे से आया और पैसा छीना। जब तक हम लोग खुला किए और बाइक छीनने की कोशिश की, हम लोग रिटर्न उससे तक पीछे से 2 स्कूटी, 1 स्कूटी पर 2 बाइक आया, 1 स्कूटी पर 2 लड़का सवार आया और वो गन दिखा के पैसा लेके भाग गया हवा में फायरिंग करते हुए। कितना फायरिंग किया? 2 फायरिंग किया। पैसा कितना था? मेरा था 1,08,000 और उसका? उनका भी 60,000 के आसपास था, टोटल 1,58,000 हुआ। हाँ, कहाँ से कलेक्शन किया था? कहाँ से? हम लोग जवाहर नगर में 4 सेंटर से कलेक्शन किया। जवाहर नगर में? हाँ, बाइक में हम लोग रखे हुए थे, डायरेक्ट हम लोग गाली गलौज करना चालू कर दिया। गाली गलौज करने के साथ जैसे हम बाइक से उतरे अपना, वैसे बाइक छीन लिया। मोहल्लों में पैसा दिए हुए हैं जिसका कलेक्शन करने निकले थे, कलेक्शन करके लौट रहे थे, तीन लोगों का पैसा 1,58,000 रुपये छीनते किया गया है। सिटी डीलर्स मोटरसाइकिल पर 2 लड़के थे, छीन कर भाग गए। उसके पीछे से फिर 2 लड़के स्कूटी से आए जो इनको गन दिखाते हुए भाग गए। अरे, इनको लोग आगे जाने के बाद उन लोगों ने गोली भी चलाया है। मेरा पदाधिकारी वहाँ गए हुए हैं, उनके लौटने के बाद उस संबंध में विस्तृत मैं बता पाऊँगा। कहाँ पे ये घटना घटी हुई है? जवाहर नगर क्रॉस रोड नंबर 14। ये भारत क्या बता रहे हैं, भारत फील्ड स्टाफ फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड।
भारत फाइनेंशियल जिसका कलेक्शन करते हैं उसके संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिया है। उनके कागजात इतने बार बता पाऊंगा कैसी एजेंसी इनकी चलती है, क्या पैसा जमा करते हैं, किस तरह का व्यवसाय करते हैं। और वहीं मानगो सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण की जांच सीआईडी इंस्पेक्टर ने एमजीएम थाना में की, जहां नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म का शिकार बनी नाबालिग लड़की मंगलवार को नानक सेठ के साथ एमजीएम थाना पहुंची। यहां पर नाबालिग लड़की ने सीआईडी इंस्पेक्टर को उन स्थानों को दिखाया जहां पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इधर महिला सीआईडी इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना स्थानों का मुआयना किया जा रहा है। वो तो वो हाजत के जगह कुछ और भी हो सकता था, लाइब्रेरी स्टोर रूम हाजत, क्या थोड़ा सा बता दीजिए। रेणु को दिखाने लाते हैं कहाँ पर है, पूछने आए थे। क्या चीज़ पूछने आए थे, क्या पर कहाँ पर है, घटनास्थल का? घटनास्थल का तो क्या बताइए, आप पूछ के छोड़िए, क्या बताइए, आप लोग देख रहे हैं ना, क्या बताइए। क्या अभी तो हम लोग बहुत कुछ नहीं देख पाए, बहुत कंफ्यूज है ये, हम इसको लेकर आए हैं। जो घटना हुआ है ये इसी को बताने के लिए अभी क्या जाँच कर रहे हैं यहाँ पर मैडम? तो घटनास्थल ही देखने आए, देखने आए कि रेणु बताए कहाँ कहाँ मेरे साथ क्या। और वहीं सात सूत्री मांगों को लेकर जमशेदपुर के झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पुलिस कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर आज काम कर रहे हैं। सभी पुलिस कर्मचारी जैप 6 ग्राउंड में राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए। जमशेदपुर शहर में लगभग 1500 पुलिस कर्मी काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे हैं। वही इन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलनरत रहने की बात कही। जैप 6 के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में भी मांगे पूरी करने का आश्वासन मिला था, मगर आज तक 7 मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके विरोध में आज से 3 दिवसीय काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इन्होंने यह भी कहा कि 7 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ये संघ जिंदाबाद, झारखंड पुलिस चतुर्वर्गीय संघ जिंदाबाद, माता की। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के सिजुलता नवोदय विद्यालय के 11वीं विज्ञान के छात्र जॉनसन सामद ने आज सुबह अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 3 साल के भीतर इस स्कूल में जॉनसन समेत 5 छात्रों ने आत्महत्या की है। बताया जाता है कि छात्र आज सुबह स्कूल की असेंबली में शामिल हुआ था और स्कूल की असेंबली को संबोधित भी किया था, लेकिन आज स्कूल के शॉर्ट ब्रेक के दौरान क्लास से निकलकर सीधे छात्रावास गया और कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं वार्डन ने जैसे ही छात्र को कमरे में झूलता पाया तत्काल इसकी सूचना स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों को दी। वहीं स्कूल प्रबंधन छात्र को आनन फानन में जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई है। मामले पर स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल का माहौल काफी मैत्रीपूर्ण है, साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक छात्र काफी मिलनसार और होनहार छात्र था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किस दबाव में छात्र ने आत्महत्या की है। छात्र कितने कक्षा में पढ़ता था? 11वीं कक्षा। अच्छा सर, जानकारी मिल रही है कि इससे पूर्व में भी कई छात्रों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। उस संदर्भ में इतने तो मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं स्टेशन पे नया ही पोस्टिंग होकर आया हूँ। इससे पहले एक लड़की यहाँ हुई थी, उसने प्रयास किया था, उसको बचा लिया गया, उनके कोई पारिवारिक परिस्थिति रही। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, इस छात्र के पीछे किसी से मारपीट, कोई झगड़ा, किसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मॉर्निंग असेंबली उसने आज कमांड उसी ने दिए थे, थर्ड फोर्थ डे को उसने प्रेजेंट किए थे, और एट ए सडन वहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई में कैसा था छात्र? पढ़ाई में भी ठीक था, अच्छे इंस्ट्रूमेंट वगैरह से जो म्यूजिक वगैरह है सब अच्छा वगैरह वही करते थे। छात्र का नाम क्या? वो जॉनसन शामिल। जब मैं एक्चुअली 10th एंड 12th के हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए हमारे पीजीटी बायोसेल को मैंने चैम्बर पर बुलाया हुआ था, तो इसी बीच में हमारे पीजीटी मतलब नवोदय विद्यालय में एक बच्चा आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। सूचना पाकर हम लोग स्कूल पहुँचे, स्कूल पहुँचने के बाद हम लोग को पता चला कि इसको स्कूल के मास्टर साहब लोग लेके हॉस्पिटल चले आए यहाँ पे परसोटी, उसी को लेकर हम लोग पहुँचे यहाँ पे।
बस देख रहे हैं उसको भी हम लोग, क्या हो सकता है जाँच हो रहा है जैसा होगा। और वहीं जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्लब अवार्ड को लेकर जिले के पीएससी व सीएससी पदाधिकारियों व कर्मचारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जहां सभी को कार्यक्लब अवार्ड से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें रिकॉर्ड कीपिंग, ऑब्जर्वेशन स्टाफ इंटरव्यू, साथ ही स्टील मैनेजमेंट, बायोमेडिकल के बारे में भी बताया गया, जहां अस्पताल परिसर को किस प्रकार साफ सुथरा रखना है इस पर जोर देते हुए लैंड कीपिंग करने के लिए निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, कायाकल्प अवार्ड के साथ साथ पेशेंट केयर के लिए अस्पताल हाइजीनिक हो, साफ सुथरा रहे, कचरे का निस्तारण हो, इस संबंध में भी सभी को जानकारी दी गई। वहीं जिले के सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद ने बताया कि कायाकल्प अवार्ड के लिए सभी मानकों पर पीएससी और सीएससी खरा उतरे, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि कायाकल्प अवार्ड के लिए पीआर असेसमेंट हो चुका है, इंटर असेसमेंट को भी पार कर लिया गया है और फाइनल इंटरनल असेसमेंट के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इन्होंने यह भी बताया कि बैठक में चकुलिया, घाटशिला, मूसाबनी और पोटका से चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए हैं, जिनके साथ विस्तृत चर्चा की जा रही है। उद्देश्य है कि कायाकल्प के लिए जो क्वालिटी एंड उसके जो विभिन्न आयाम पे जो चर्चा करनी है ना, और लोग क्या कार्य किए हैं अभी तक अस्पताल के बेहतरी के लिए, क्वालिटी के लिए, उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, ताकि हम अपने दूरगामी एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बैठक में कहां कहां से बैठक से चकुलिया से आए हैं, घाटशिला से आए हैं, मूसावनी के हैं, दालगुंगड़ के हैं, नहीं दालगुंगड़ के नहीं, पोटका के लोग। क्या कुछ निर्देश दिया गया है? निर्देश दिया गया उनका जो कायाकल्प का जो इंडिकेटर्स है, जो उसके चेकलिस्ट हैं, उस चेकलिस्ट पे जो चीज़ गैप है, गैप एनालिसिस करने के उपरांत उस गैप को फुलफिल करने की जरूरत है। और इधर जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत हलूदबनी नामो टोला में सरस्वती पूजा के दौरान बुगी बुगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां स्थानीय युवकों ने कार्यक्रम देख रहे अन्य युवकों पर हमला बोल दिया और उन्हें मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना सोमवार रात की है, जहां नामो टोला निवासी अमित सिंह, जो की एक निजी कंपनी में ठेका कर्मचारी का काम करते हैं, वो और उनका साथी बुगी बुगी कार्यक्रम देखने गए थे, जहां अचानक स्थानीय कुछ लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उन्हें भी भीड़ का हिस्सा समझकर रॉड, हॉकी और डंडे से जमकर उनकी पिटाई कर दी, जिसमें अमित कुमार सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और उनका मित्र भी बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं घायल अमित कुमार सिंह ने बताया कि वो और उनका साथी बुगी बुगी कार्यक्रम का आनंद उठा रहे थे, तभी स्थानीय कुछ युवकों ने उन पर और उनके साथी पर हमला कर दिया, जिसमें वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। इस संबंध में उनके द्वारा परसुडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर दोनों घायलों ने सदर अस्पताल में आकर अपना इलाज करवाया। आप लोग बताइए ना घटना के बारे में। घटना के बारे में हाँ वही तो हम लोग अगर आप लोग कल सामने सरस्वती पूजा विसर्जन का वो था कार्यक्रम था, मूवी होगा, मूवी भी आया था, इस दौरान हम लोग गए वहाँ देखने और पीछे से बगदर हुआ, लोग बगल में खड़े थे, पहले मेरे दोस्त को मारा, उसके बाद हम इनको बचाने गए, उसके बाद हम भी मारा। कहाँ का कहाँ ये घटना घटी है? परसुडी वाली नामो टोला, वहीं के मेरे घर के बाजू के ही। आप जानते हैं किसी को? जी जानते हैं। क्या नाम हुआ? भाई नेम तो नहीं जानते, सकल से जानते हैं। आप लोग केस किए हैं? जी। एक घटना कब की है? कल 11:30 बजे नहीं, प्रोग्राम था। अच्छा, प्रोग्राम था उसी टाइम। दो लोगों को मारा है उन्होंने? और भी है और घर पे है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, बनी रहिए हमारे साथ। एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक, जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं।
regular checkup for your kids, and treatment for their dental health problem. Future mein daanton mein koi pareshani na ho, iske liye regular checkup karvayein. Advanced Dental Care mein, Advanced Dental Care. First floor, Chaudhary Akash Enclave, Road number 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797-25735 or 9534-106209. तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मूड करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग और व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान विषय पर कई नेता ने अपने विचार व्यक्त किए। यहां बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन कमल अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष विजय खां सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जहाँ वर्ष 2019 के चुनाव का बिगुल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में फूका गया। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन रुहुल जमील अहमद ने कहा कि चुनावी वर्ष में जहां कांग्रेस आलाकमान पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, वहीं हर राज्य और हर जिले में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर कांग्रेस की विचारधाराओं से जागरूक मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जहां हम मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा संविधान के साथ किए जा रहे छेड़छाड़ एवं 3 तलाक जैसे मुद्दों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जहां आज पूरी दुनिया में मुसलमान 3 तलाक के मुद्दे पर अपनी शरीयत के साथ नजर आ रहे हैं, वहीं भारत सरकार गंदी राजनीति कर 3 तलाक के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर किसी एक समुदाय को आहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जहां हम इस तरह की सभाओं को कर मतदाताओं को जागरूक कर सरकार को सत्ते से बाहर करने का काम करेंगे। जब पूंजीपति उनके साथ है तो पैसा भी बहाएगा, तो 2019 का लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के। इरशाद अली से कि आप गुलाम अली को क्रांति सिंह, मैं कुछ ही बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 2014 की बात। बात ये कि उस समय 2014 में भाजपा के नेताओं ने, जिसमें कि आज एक प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये साफ वादा किया था हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से कोई भी यह प्रमाणित कर सकता है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? मेरे पास में एक उदाहरण है जो आज ही के पेपर में है, मैं उसको आपके सामने 2
2.07 लाख जॉब कार्ड धारी, यहाँ ये मैं इस कोल्हान की बात कर रहा हूँ। वहीं सरायकेला प्रखंड के रंगाडी गांव में प्रशासन द्वारा कचरा प्रोसेसिंग प्लांट निर्माण शुरू किए जाने के विरोध में विशाल ग्राम सभा व जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में स्थानीय ग्रामीणों के अलावा विधायक चंपई सोरेन, दीपक बिरुआ, कृणाल शारंगी समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक मत से प्रशासन द्वारा जबरन लोगों के इच्छा के विरुद्ध प्लांट निर्माण किए जाने का विरोध किया। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि शेड्यूल एरिया में बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई योजना नहीं ली जा सकती है तथा जमीन अधिग्रहण भी नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके प्रशासन ने पुलिस के बल पर जबरन काम शुरू किया है, इसके खिलाफ विरोध जारी रहेगा। सब तो अपाय भी करेगा और इस इलाके में जो भी गलत काम किया गया है प्रशासन की ओर से और यहाँ का कानून को जो उल्लंघन करके कुछ देना परिजन देने का काम किया, एक एक बार और हम लोग निकलना शुरू करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरायकेला थाना अंतर्गत रायडी के पास अनियंत्रित मोटरसाइकिल के पुल से गिरने पर एक 22 वर्षीय युवक गोपी रजक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त राजा सरदार घायल हो गया। मृतक कांडरा बाजार का रहने वाला था। वह कल अपने दोस्त राजा सरदार के मामा के घर बड़का गांव गया था, जहां से लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। उनके पिता सोमनाथ रजक ने बताया कि वह उनका इकलौता पुत्र था, ऐसे में उसकी मौत से उनका जीवन सदा के लिए सूना हो गया है। और वहीं जोहार ट्रस्ट की ओर से UCIL टावर ग्राउंड सुंदर नगर में 3 दिवसीय अलग अलग कार्यक्रम रखे गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जोहार ट्रस्ट के अध्यक्ष पिंटू चाकिया ने मीडिया को बताया कि 14 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित कार्यक्रम में महिला फुटबॉल एवं खेलकूद प्रतियोगिता के अलावे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें मुंबई के बॉलीवुड से आए कलाकारों द्वारा डीको डांसिंग स्टार ऑफ डांस प्लस द्वारा जोहार नाइट की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही YouTube की मशहूर गायिका दिगर सोरेन संगीत प्रस्तुत करेंगी। उसमें हम 15 को और 16 को यूशियल मैनेजमेंट एवं शहर के प्रशासनिक उद्देश्य क्या रहता आप लोग का? मेन उद्देश्य ये है कि हमारा कल्चर जो भी आदिवासी समाज के कल्चर मागे पर्व जो टावर ग्राउंड में होगी 14 तारीख से 16 तारीख तक। कहाँ पर? टावर ग्राउंड तुरामडी सुंदर नगर पे। इसमें झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के सभी नृत्य दल भाग ले रहे हैं और लगभग 25 से 30 नृत्य दल इसमें भाग लेंगे। और आपका जोहार नाइट कार्यक्रम है 16 को, जिसमें मुंबई से आए हुए कलाकार भाग। और इधर पर्यावरण संतुलन का संदेश ले देशावली फाउंडेशन ने आज जमशेदपुर से जंगल का रुख ले लिया है, साइकिल रैली निकाली। ये रैली साक्षी गोलचक्कर से डिमना लेक के लिए निकली, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करती है। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के संतुलन और जंगलों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस संबंध में जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर संजीव बिरुली ने बताया कि संस्था द्वारा लगातार साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन्होंने यह भी बताया कि संस्था के सदस्य रैली के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में जाकर खेतों के आसपास फैले कचरों की साफ सफाई करते हैं और ग्राम सभा के साथ बैठकर उन्हें पर्यावरण को साफ रखने के प्रति जागरूक करते हैं। साथ ही शहरी युवाओं को अधिक से अधिक साइकिल का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया जाता है। इनका मानना है कि साइकिलिंग से शरीर और पर्यावरण दोनों संतुलित रहता है। आगे रुकिएगा। ये रैली का नाम हम लोगों ने रखा है रैली फॉर जंगल। जंगल जो एक प्रतिनिधित्व करता है हमारे प्रकृति का और बहुत बड़े हरियाली का, और ये सिर्फ जंगल सिर्फ सांकेतिक है। वह जो जंगल जहाँ पर पेड़ पौधे हैं उसका विस्तारित जो रूप है आज के डेट में शहरों तक भी होना चाहिए, क्योंकि शहरों में जंगल से कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन है, प्रदूषण है।
और उसके साथ ही यह जो रैली हम लोगों ने रखी है वह साइकिल। वहीं मग ब्राह्मण एसोसिएशन के सरायकेला जिला इकाई द्वारा अचल सप्तमी के मौके पर भगवान भास्कर का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में मन ब्राह्मण एसोसिएशन के द्वारा अचला सप्तमी के मौके पर भगवान भास्कर के जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह में खरकई नदी से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकालकर की गई, जिसके बाद भगवान भास्कर का जन्मोत्सव मनाते हुए सामूहिक पूजन किया गया। वहीं सूर्य उपासना के बाद हवन कर पूर्णाहुति की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच बिना नमक के बने प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर बच्चों के लिए चित्रांकन और खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। बता दें कि भगवान भास्कर के जन्मोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से अध्यक्ष रजनीकांत पाठक, संतोष मिश्रा, प्रवीण मिश्रा, सरोज मिश्रा, संतोष पाठक, सतेंद्र पांडे, सुनीता मिश्रा, विमला पाठक और गीता देवी का विशेष योगदान रहा। गौरतलब है कि साल 2016 से ब्राह्मण एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष अचला सप्तमी के मौके पर सूर्य पूजन कार्यक्रम का सामूहिक आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में शाकत द्वीपीय ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होते हैं। भास्कर की कलश यात्रा हुई, इसके बाद मंडप प्रवेश हुआ, इसके बाद वेदी पूजन, सूर्य पूजन, हवन, ये सब कार्य करा। इसके चला इसके उपरांत सामूहिक भोग वितरण और प्रसाद जला। माघ शुक्ल अचला सप्तमी है, इस दिन भगवान सूर्य का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए हम लोग इनका जन्म उत्सव मना। वहीं जमशेदपुर में अलहीरा इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा केजी डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छोटे बच्चों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की। मानगो आजाद नगर में अलहीरा इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा केजी डे कार्यक्रम का आयोजन कर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जहां छोटे बच्चों के द्वारा आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर छोटे बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है, जहां हम विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। एनुअल फंक्शन में मोरल स्टोरीज जो है जिसको एक्ट की हैं बच्चे, और उसमें मतलब बच्चों का जो है इंकरेजमेंट के लिए हम लोग ये सब प्रोग्राम करवा रहे हैं, ताकि बच्चे हर फील्ड में आगे हों और एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार इंसान बन सके। इससे क्या फ़ायदा होता है? जी, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो यहाँ पढ़ाते हैं बताते हैं कि मतलब सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आपका करेक्टर भी बिल्ड करना चाहिए। एक अच्छा इंसान भी बनना है आपको, तो उसके लिए मतलब हम लोगों को अपने इस्लाम के बारे में चलना चाहिए, और जो बताया गया है, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उन्हीं सब रास्तों को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और इधर डुमरिया प्रखंड के भागाबांदी में वृहद डैम बनाने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने SSP को ज्ञापन सौंपा। बताया जाता है कि केंद्रीय जल आयोग की टीम ने बिना ग्राम सभा को जानकारी दिए रैयत जमीन चिन्हित किया है, जहाँ पर वृहद डैम बनाया जाना है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि केंद्रीय टीम ने ग्रामीणों को विश्वास में नहीं लिया। वहीं मंगलवार को संजय लकड़ा के नेतृत्व में ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने SSP को ज्ञापन सौंपकर सर्व स्थगित करने की मांग की है। हम लोग गए थे केंद्रीय जल आयोग योजना एवं अनुवेंशन मंडल भारत सरकार की टीम ने बिना ग्राम सभा को जानकारी दिए रैयत जमीन पर सर्वे कर रही है, जिसको लेकर हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ मांग किए कि इसको जल्द से जल्द स्थगित करें, ताकि वहाँ जो 14 मौजा में सर्वे का जो प्रोग्राम चल रही है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, इससे हमारा रैयती जमीन सब और गांव का गांव वहाँ उजड़ जाएगा, और उस रैयती जमीन में हमारा किसान वर्ग के लोग ज्यादा है जो खेती पर ही निर्भर रहते हैं। और वहीं जमशेदपुर के गीत आदि ग्वाला बस्ती में रुचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचकों द्वारा गीत का सार सभी श्रद्धालुओं को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 9 दिनों तक यह भागवत कथा महायज्ञ चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठानों को संपन्न करवाया जा रहा है। लगातार यहाँ कथावाचकों द्वारा भागवत गीता का प्रसार किया जा रहा है।
आयोजकों के अनुसार इस तरह के आयोजन से जगत का कल्याण होता है, साथ ही मनुष्यों में आपसी प्रेम तथा भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। पहले से प्रभु और जितने प्रसाद हैं सब मेरे प्रभु उस प्रसाद को क्यों कब अवसर आएगा। लाल बिल्डिंग वाला पट्टी श्री श्री शीतला काली दुर्गा हनुमान मंदिर के प्रांगण में अपने 8 तारीख से भागवत हो रही है। भागवत कथा चलेगा शुक्रवार तक ले, शुक्रवार को पूर्णावती हो जाएगा और बुधवार को जग का पूर्णावती है। कुल देवी की पूजा के लिए और क्या बोल रहा हूँ, मेरा नाम दीप नारायण पंडित पकवानी है। और वहीं जमशेदपुर में श्री श्री साक्षी शिव मंदिर एवं श्री श्याम परिवार का 30वां दो दिवसीय श्याम महोत्सव 15 एवं 16 फरवरी को आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। यह दो दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान साक्षी बाजार शिव मंदिर में आयोजित होगा। इसमें भजनों की अमृत वर्षा करने के लिए जयपुर से कुमार गिरिराज और उमा लहरी शहर पहुंचेंगे। उनके साथ स्थानीय भजन गायक कृष्णामूर्ति बाबा श्याम के गानों की प्रस्तुति देंगे। इस संबंध में मंगलवार को शिव मंदिर परिसर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आयोजकों ने जानकारी दी। आयोजन कमेटी में उमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 फरवरी की दोपहर में विराट निशान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 1100 श्याम भक्त शामिल होंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को ध्वजा पूजन किया जाएगा, साथ ही यह निशान यात्रा साक्षी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी करेगी। कुमार गिरिराज कलाकार सोलह तारीख को विद्यालय आग्रह होगा, हमारा बहुत रिक्वेस्ट है आपका। आगामी 15-16 फरवरी को साक्षी शिव मंदिर के प्रांगण में 30वां श्याम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी को 11 बजे से ध्वजा पूजन का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे से विशाल निशान यात्रा का शुभारंभ होगा, जो साक्षी शिव मंदिर प्रांगण से निकलकर साक्षी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए 5 बजे श्री मंदिर प्रांगण में आएगी। और इधर जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष पर आगामी 5 अप्रैल को 5 लाख से अधिक हिंदुओं का जुटान होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसी के तहत हिंदू उत्सव समिति ने बैठक आयोजित कर विचार विमर्श किया। इसी को लेकर साक्षी स्थित धारबूम क्लब में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा नव वर्ष को लेकर पहली बैठक आयोजित की गई, जहां समिति के जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश सिंह एवं कई सदस्य मौजूद थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए रवि प्रकाश सिंह एवं अक्षय कोड़ा ने कहा कि इस आधुनिक युग में जहां लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर है, वहीं अपने नव वर्ष को लोग भूलते जा रहे हैं, जिससे याद दिलाने के लिए पिछले 2 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति के द्वारा विशाल रैली का आयोजन नव वर्ष के उपलक्ष्य में किया जाता है, जहां हम डिमना MGM मैदान से रैली की शुरुआत कर साक्षी आमबगान मैदान में समाप्त करते हैं। वहीं इस वर्ष 5 लाख लोग इस रैली का हिस्सा बनेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी हो गया है। अभी जलपान का वितरण हो रहा है, बीच बीच में आपके पास जो चाय आ रहा है, चाय का कप जो आ रहा है, पीने के बाद अपने हाथ में ही रख रहे हैं कार्यकर्ता जी। यह हिंदू उत्सव समिति की बैठक हो रही है। आप सभी को जानकारी में है कि पिछले 2 वर्षों से हिंदू उत्सव समिति द्वारा जमशेदपुर में हिंदुत्व का महाजुटान करके 9 वर्ष यात्रा निकाला जाता है, जो पिछले 2 वर्षों से MGM डिमना से निकाला जा रहा था। इस बार भी वही व्यवस्था है। इस बार हम लोग यह पहली बैठक कर रहे हैं, इसके बाद बैठकों का जो सिलसिला है वो जमशेदपुर में और आसपास के इलाकों में, या यूं कहें कि पूरे कोल्हान में प्रारंभ हो जाएगा। कब निकाली जाएगी यात्रा? यह यात्रा आगामी 5 अप्रैल को है। श्रीराम, आज का बैठक रखा गया हिंदू उत्सव समिति द्वारा। ये बैठक की अध्यक्षता रवि सिंह जी कर रहे हैं। जो बैठक का हम लोग का मुख्य विषय है हिंदू नववर्ष यात्रा निकालना, जिसको की जो एक त्यौहार है हमारा, जिसको हमारे हिंदू भूलते जा रहे हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे हिंदुओं का नया साल शुरू होता है, परंतु जो अंग्रेजों यहाँ से चले गए, परंतु अंग्रेज अपने त्यौहार यहाँ पे छोड़ गए नया साल। सब हिंदू आजकल उन्हीं का नया साल मनाते हैं, अपने त्यौहारों को भूलते जाते हैं। हमारा बस यही कोशिश है कि हिंदू अपने त्यौहारों के साथ जिसको भूलते जा रहे हैं उसको फिर से याद करें, हमारे साथ आए और एक विशाल रूप में हिंदू नववर्ष यात्रा मनाएं।
और वहीं पूरे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर सभी अधिवक्ता मंगलवार को अवकाश पर रहे और खुद को कार से दूर रखा। इस दौरान न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय में ठप रही। वहीं जमशेदपुर में भी इसका खासा असर देखने को मिला, जहां न्यायालय में किसी भी तरह के मामलों की सुनवाई नहीं हुई। सोमवार दूसरे पहर से लगातार देश के सभी अधिवक्ता अपने मांगों को लेकर आंदोलनरत है और इसके तहत मंगलवार को सभी अधिवक्ता अवकाश पर रहे और अपने आप को काम से दूर रखा। बार काउंसलिंग इंडिया के आह्वान पर ये कदम अधिवक्ताओं ने उठाया है। मुख्य रूप से इनके द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष 7 सूत्री मांगे रखी गई है, जिसमें अधिवक्ताओं के आकस्मिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को मुआवजा राशि दिए जाने, कम मूल्य पर आवास हेतु भूखंड उपलब्ध कराए जाने, प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के कार्यस्थल को बेहतर बनाने जैसी मांगे शामिल है। जमशेदपुर में भी अधिवक्ताओं के अवकाश पर रहने से न्यायिक प्रक्रिया ठप रही। इनके अनुसार जब सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तब तक इनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ये हड़ताल तो आप नहीं कह सकते हैं, वकील आज काम से दूर हैं। हम लोगों का ये कल से चल रहा है, कल आधे बेले से चल रहा है और कुछ हम लोगों ने भारत सरकार के समक्ष हमारे जो पेरेंट बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं और उनकी मांग के समर्थन में पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ता आज 12 तारीख को अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर, जैसे कि गवर्नर के यहाँ अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, उनकी मांग को समर्थन देते हुए उसी के लिए हम सब लोग आज काम पे नहीं है। जमशेदपुर में कुड़मी सेना के द्वारा एक वार्ता की गई, जिसमें इनके द्वारा सरकार पर कुड़मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल किए जाने के विरोध में मामला उच्च न्यायालय में दायर करने की जानकारी दी गई। वार्ता के दौरान इन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद सन 1950 में कुड़मी जाति को आदिवासियों के श्रेणी से बाहर कर दिया गया और तब से लगातार कुड़मी जाति के लोग आंदोलनरत है। जमशेदपुर में कुड़मी सेना के गठन के बाद से ही इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था और कई बार इसके लिए आंदोलन किया गया था, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। इसके खिलाफ इन्होंने सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है और कुड़मी जाति को आदिवासी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग की है। इन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें भरोसा है और वही अब इस मामले में उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करेगी। कुड़मी जाति 70 दशक से दिन ब दिन पिछड़ते जा रही है, शिक्षा रोजगार आरक्षण में हर चीज़ में पिछड़ते जा रही है और हम लोग बहुत आंदोलन भी किए, काफ़ी आंदोलन करने के बाद भी हम लोग आज तक सफलता नहीं मिली और इससे हम लोग दुखी होकर हम लोग अंत में उच्च न्यायालय झारखंड सरकार के शरण में हम लोग पहुँचे और वहाँ पर हम लोग 25/1/2019 को हम लोग एक याचिक दायर किए कि कुड़मी को एसटी सूची में शामिल किया जाए और वो एक्सेप्ट हो गया है आपका 30/1/2019। और वहीं मंत्री सरयू राय के विधानसभा क्षेत्र में विधायक फंड से बन रहे लोक नारायण जयप्रकाश जी की प्रतिमा का काम टाटा स्टील ने रुकवा दिया है। मानगो बस स्टैंड के चौक पर 7 लाख की लागत से बन रहे इस प्रतिमा का काम रोड चौड़ीकरण के नाम पर रुकवाया गया है। सूचना मिलते ही विधायक सह मंत्री सरयू राय और जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार पहुंचे। वही मंत्री ने टाटा स्टील पर मनमानी रवैये करने का आरोप लगाते हुए बड़े अधिकारियों से बात की और जल्द ही इस प्रतिमा को बनाने का आदेश दिया। वहीं मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस चौक के किनारे पहले गंदगी फैली हुई थी, जिसके बाद इसे साफ कर यहाँ चबूतरा बनाकर एक प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसका टाटा स्टील विरोध कर रहा है। टाटा कंपनी को याद होना चाहिए कि यह सरकार की जमीन है और वो यहाँ जमीन लीज पर है, हर हाल में प्रतिमा यहीं बनाई जाएगी। यहाँ मेरे विधायक निधि से लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लग रही है। इसका शिलान्यास हुए करीब करीब 9 महीना हो गया, काम प्रगति पर है। इसके पहले यहाँ खटाल था, गंदगी थी। अब टाटा स्टील के जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसका आधा हिस्सा हम लेंगे सड़क को यहाँ चौड़ा करने के लिए। ये समझ में बात नहीं आ रही है कि किस नियत से वो ऐसा कह रहे हैं। और पुल चौड़ा नहीं हो रहा है,
तो आज कौन सा ऐसा चीज़ हो गया है कि सड़क चौड़ा होगी, जबकि अब कांदरबेड़ा की सड़क बन रही है, कांदरबेड़ा और सोनारी की, तो इनका बहुत सारा हैवी ट्रैफिक तो उधर डाइवर्ट होगा, इस पर ट्रैफिक तो पहले से कम होगा, काफ़ी कम होगा। तो चौड़ाई का मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये अपने इलाके में टाटा परिवार के अलावे किसी भी महापुरुष की स्टैचू नहीं लगने देना चाहते हैं ये लोग। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जमशेदपुर में सीएम ने विद्युत शक्ति उपकेंद्र का किया लोकार्पण, कई योजनाओं का भी किया शिलान्यास। जमशेदपुर के मार्गों में अपराधियों ने नॉन बैंकिंग कर्मचारियों से लूटे 1,58,000 रुपए, पुलिस कर रही मामले की जांच। जमशेदपुर में साइबर अपराध रोकने के लिए कार्यशाला आयोजित, डीआईजी समेत पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। और अपनी मांगों को लेकर राज्य में पुलिस कर्मियों ने लगाया काला बिल्ला और अधिवक्ताओं ने कार्य का किया बहिष्कार। आज के खबरों में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।